फ्रेंड्स, हमारी इस दुनिया में कई ऐसे विचित्र लोग पैदा होते हैं जो हम लोगों से काफी अलग होते हैं। क्या आपको पता है कि किसी आदमी के 3 पैर हो सकता है? जी हाँ, 3 पैर। विश्वास नहीं ना हो रहा है, लेकिन यह सच है। यह इंसान 3 पैर होने के बावजूद 77 साल तक जीवित रहा। इसके बारे में पूरा जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यह कहानी शुरू होती है 19वीं शताब्दी में, जब एक विचित्र इंसान का जन्म हुआ, क्योंकि यह इंसान के 2 नहीं बल्कि 3 लेग्स थी। दरअसल 18 मई 1889 को इटली के सिसिला द्वीप पर फ्रांसेस्को फ्रैंक लेटिनी नाम के एक बच्चे का जन्म हुआ। ये बच्चा असाधारण रूप से पैदा हुआ था, जिसके 3 टांगे थी। यही नहीं, इस सभी के बावजूद फ्रांसेस्को 77 साल तक जिंदा रहे। फ्रांसेस्को अपने 12 भाई बहनों में 5वें नंबर पे थे। जब यह बहुत छोटे थे, तभी उसके माता पिता ने उन्हें उनके चाचा चाची के पास भेज दिया था, जहां उसका पालन पोषण हुआ और वहीं से उसके करियर का भी शुरुआत हुई। बताया जाता है कि लेटिन की 3 पैर के अलावा एक और पैर थी, जो उसकी 3री टांग के घुटने के पास थी। खैर, वह पैर पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाया। कहा जाता है कि लेटिन एक प्रकार के डिजीज से पीड़ित थे, जिसमें उनके शरीर में आधा जुड़वा बच्चा जुड़ा हुआ था। वो आधा बच्चा उनकी रीढ़ की हड्डी के साथ जुड़ा था। फ्रांसेस्को को अपनी पूरी जिंदगी ऐसे ही गुजारना पड़ा। फ्रैंक ने अपने एक्स्ट्रा बॉडी पार्ट को हटवाने की कोशिश भी नहीं की थी, लेकिन डॉक्टरों ने साफ कह दिया था कि अगर वह अपने एक्स्ट्रा अंगों को हटवाने का कोशिश करते हैं तो उन्हें लकवा मार सकता है और वो हमेशा के लिए अपाहिज हो सकते हैं, क्योंकि उनकी जो 3री टांग थी वो उनकी रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल पास थी। आपको बता दें कि यह घटना 1889 की है, जो आज के मुकाबले उस समय मेडिकल साइंस काफी कमजोर थी, शायद आज इसका इलाज हो पाता। फ्रैंक जब 12 साल के हुए, तब उनकी मुलाकात विसेंजो मैग्नेनो नाम के एक शख्स से हुई, जो उस समय एक सर्कस का मालिक था। उसने फ्रैंक को सर्कस में भर्ती होने का सुझाव दिया। मैग्नेनो का यह सुझाव फ्रैंक को अच्छा लगा। उसके बाद फ्रैंक सर्कस में भर्ती हो गया। वह अपनी 3री टांग से फुटबॉल को किक मारा करते थे, जो लोगों को काफी पसंद आता था। बता दे कि फ्रैंक अपनी 3री टांग का इस्तेमाल स्टूल की तरह किया करते थे और वह उस पर बैठते थे, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अक्सर लोग उनसे यह सवाल पूछते थे कि वह अपने लिए 3 पैरों वाला जूता कहाँ से खरीदते हैं, तो फ्रैंक का जवाब रहता था कि वह हमेशा 2 जोड़ी यानी 2 पेयर्स जूता खरीदते हैं और एक एक्स्ट्रा जूता अपने 1 पैर वाले दोस्त को दे देते हैं। साल 1907 में फ्रैंक ने थेरेसा मुरे नाम की एक महिला से शादी की और उन्हें 4 बच्चे हुए। हालांकि दोनों का साथ जिंदगी भर का ना रह सका और साल 1935 में दोनों जुदा हो गए, जिसके बाद फ्रैंक ने हेलेन सुपे नाम की एक महिला से शादी कर ली और मरने तक वह उसी महिला के साथ रहे। 21 सितंबर 1966 को अमेरिका के टेनेसी में 77 साल की उम्र में फ्रैंक की मौत हो गई। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। जय हिंद।